किसानों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा में मिलर्स की तरफ से अपनाई जा रही कटनी छटनी प्रथा के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। ओडिशा के नयागढ़ जिले में किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कटनी छटनी प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है। नयागढ़ में कटनी छटनी के खिलाफ किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन में जिले भर के किसानों ने हिस्सा लिया। जिले के सभी प्रखंडों के किसान जिला मुख्यालय पहुंचे और एकजुट होकर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि नयागढ़ जिले की मंडियों में धान के एक पैकेट में कम से कम 8 से 10 किलो धान कटनी छटनी के रूप में काटा जाता है। मिलर्स द्वारा की जा रही इस मनमानी से किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों का आरोप है कि इस अवैध प्रथा के कारण किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कई ऐसे किसान हैं जो कर्ज लेकर खेती करते हैं, तो वहीं किसान इस साल मौसम की भी मार झेल रहे हैं। ऐसे में अलग से वजन में कटौती करने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी तरफ मिल मालिक वास्तविक किसानों के बजाय दलाल और बिचौलियों से धान खरीद रहे हैं, जिसके कारण किसान बिचौलियों को कम कीमत पर अपने धान बेचने के लिए मजबूर है। किसानों का ये भी आरोप है कि पड़ोसी राज्यों में भारी मात्रा में धान की तस्करी की जा रही है। किसानों ने कटनी छटनी प्रथा बंद नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि कलेक्टर ने किसानों को कटनी छटनी प्रथा को रुकवाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है।